हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 12 अप्रैल रविवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपका दिन काफी अनुकूल रहेंगे। आपका स्वास्थ्य, तन मन से आज आप सारे कार्य को कर सकोगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप में काफी उत्सुकता एवं साहस दिखाई देंगे। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद में आप समय व्यतीत करेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि माता से लाभ होंगे। मित्र एवं स्नेही जनों के मिलने से घर में खुशियां आ सकेंगे। आज के दिन आपको बहुत सारे लाभदायक योजनाओं को, लाभदायक अवसरों के प्राप्ति हो सकेंगे। अविवाहित योग को जीवन साथी मिल सकते हैं, ऐसा योग आज के दिन बन रहा है। धन प्राप्ति के लिए आपका समय काफी उत्तम है। मित्रों से मुलाकात आनंददायी होंगे, उनसे लाभ भी मिलेंगे। पति एवं पुत्र की ओर से आपको लाभ मिलेंगे, उत्तम भोजन का आपको सुख मिलेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में लाभ एवं आय में वृद्धि होने के बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। मित्रों, अगर आप व्यापारी वर्ग के जातक हैं तो आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेंगे और मेहनत के अनुसार आपको परिणाम न निकलने के कारण आपको कई सारे मुसीबतों का या फिर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखने की जरूरत रहेंगी। आज का दिन सावधानी पूर्वक बिताने की कोशिश करें। आपके मन में अनेक प्रकार के चिंताओं आ सकेंगे जिनसे आप थोड़े से ग्रस्त हो सकते हैं। आंखों की पीड़ा होने की संभावना दिख रही है। आज के दिन आपको अपने विशेष रूप से आंखों की देखरेख अवश्य करनी होंगे। आत्मजनों एवं परिवारजनों से विरोध न करें। आज के दिन आपके प्रारंभ हुए सभी कार्य पूरे होंगे, जिनकी वजह से आपको काफी उत्साह और प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए काफी आरामदायक रहेंगे। हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरे करोगे। आज के दिन आपको घर में किसी नए चीजों की मरम्मत करने या फिर नए चीजों को लाने या ले जाने की पूरी संभावना है। आज आपको नौकरी के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से प्रसन्नता मिलेंगी। पदोन्नति होने के योग दिख रहे हैं। आपके कामकाज से प्रभावित होकर आपके बॉस या सहकर्मी आपके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करेंगे। वे आपसे मदद मांग सकते हैं या फिर आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वे आपके सैलरी बढ़ोतरी या पदोन्नति के सुनहरे विचार आपके साथ कर सकते हैं। आज के दिन परिवारजनों से आपको मिलकर खुशियां मिलेंगी। आपके मन में काफी अच्छी भावनाएं जागृत होंगी। आप अपने घर परिवार के या फिर घर के मकान के सज्जा की दिशा में नए कार्य कर सकोगे। दफ्तर के कार्य संबंधित यात्राओं के योग बन रहे हैं। माता से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे और सरकार से आपको लाभ मिल सकेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहेंगे। निर्धारित कार्यों के आपका ध्यान बढ़ा सकोगे। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में आज का दिन आपका व्यतीत होंगे एवं धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी होंगे। आज आप थोड़े से क्रोधित भी रह सकते हैं, जिस वजह से मानसिक अशांति भी आपको अनुभव हो सकती है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत रहेंगी। आप क्रोध न करें, क्रोध को
को संयम रखने के जरूरत रहेंगे। संतान की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और आपको व्यवसाय में थोड़ी मोड़ी रुकावटों या फिर थोड़ी मोड़ी परिस्थितियों का भी सामना करना होगा। आज किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, सेहत पर ध्यान दें, खासकर बाहर के खाने पीने से बचकर रहने होंगे। आज आपको उदित अवस्था में किसी नुकसानदायक कार्य को कर सकते हैं जो कि आपको भविष्य में थोड़ी सी परेशानीदायक हो सकता है। ऐसे में आज के दिन आप क्रोध जितना हो सके क्रोध को शांत रखने का प्रयास करें। आप अपने धन का व्यय न करें, पानी को आप बचा कर कोशिश करें। आज के दिन आपका आनंद प्रबोध में व्यतीत होंगे और विपरीत लिंग के पात्र आपके जीवन में छाए रहेंगे। नए वस्त्र विरग की खरीदारी कर सकोगे और वस्त्र आभूषण के प्रसंग भी आपको मन में भा सकेंगे। तन मन में तंदुरुस्ती अच्छी रहेंगी। लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेंगे और भोजन का सुख प्रारंभ भी आप कर सकोगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपके गृहस्थ जीवन में शांति एवं आनंद का वातावरण होंगे। शारीरिक और मानसिक आरोग्य भी सुदृढ़ होंगे। बीमार लोगों से स्वास्थ्य में सुधार हो सकेंगे। जो लोग काफी लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें आज के दिन आप अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढने में तरक्की कर सकोगे। दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग पूर्ण मात्रा में मिलेंगे और आज के दिन स्त्री मित्रों से भेंट मिलेंगे एवं मायके से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। आपके धन लाभ होंगे एवं रुके हुए कार्य को पूर्ण रूप से पूरा कर सकोगे। आज आपको यात्राएं न करने की जरूरत रहेंगे क्योंकि पेट संबंधित बीमारियां एवं समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आपको यात्राओं पर वर्जित रहना आवश्यक होंगे। संतान के आरोग्य और आभासी संबंध चिंताओं से आपके मन में व्याकुलता उत्पन्न होंगे। कार्य सफलता मिलने के पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। आज के दिन साहित्य एवं कला के प्रति आपके रुचि रहेंगे और जो लोग कला के क्षेत्र से पहले से जुड़े हैं उन लोगों को बेहतर सम्मान की प्राप्ति होंगे। काल्पनिक दुनिया के सैर कर सकोगे, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले जातकों के कुछ घरों में परिवारों में लड़ाई झगड़े के वातावरण बन रहे हैं जिनसे आपका मन परेशान हो सकता है। शरीर में फुर्ती तथा ऊर्जा की कमी भी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत रहेंगे। आज के दिन सामाजिक रूप से आपका सम्मान बढ़ेंगे। आज आप मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे क्योंकि मन में छाई हुई चिंता के बादल दूर जाने के मन में उत्साह बना रहेंगे। घर परिवार में भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया कार्य कर सकोगे। उनके साथ आपका दिन काफी आनंद पूर्वक व्यतीत होंगे। मित्रों एवं स्वजनों से आपको भेंट मिलेंगे। छोटे प्रवास का आयोजन भी हो सकता है। भाग्य वृद्धि होने के योग दिख रहे हैं और प्रतिस्पर्धाओं के समक्ष आप विजय की प्राप्ति करोगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। आपको अपने क्रोध और वाणी पर भी संयम रखने होंगे। आज योग्य कुछ आप इस प्रकार कर सकोगे कि किसी के साथ भी तकरार या मनमुटाव ना हो। आज के दिन खास तौर पर आपको धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी और आपको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए प्रयास करने होंगे। नकारात्मक विचारों को आप अनदेखा न करें। जितना हो सके उनसे नई चीजों के बारे में जानकारियों को एकत्रित करने का प्रयास करें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या भविष्य में करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। आज आप अपने व्यापार कारोबार को आगे बढ़ाने तथा नई ऊंचाइयों पर ले जाने में काफी सक्षम रहेंगे। इस दिशा में आपके द्वारा किए गए कार्य का बेहतर लाभ भी आपको मिल सकेंगे। मित्रों,
तुला राशि वाले जातकों को किए गए परिश्रम का उत्तम लाभ मिल सकेंगे, जिनकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में नाम यश कीर्ति में वृद्धि हो सकेंगे। आप लोगों के बीच चर्चे के पात्र आज बने रहने वाले हैं, जिनके कारण आपको सम्मान मिलेंगे, मान इज्जत और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों का बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा काफ़ी सफलता करने होंगे। आपको दिन और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित भी रहने होंगे। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जिनके कारण आपके कार्य सही समय पर पूरे हो सकेंगे, जिनकी वजह से आपको लाभ के कई सुनहरे मौके भी प्राप्त होने वाले हैं। आज के दिन सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को कोई नई खबर या सूचना मिल सकती हैं, जिनसे एक तरफ आपका मन थोड़ा सा हर्षित न होकर परेशान हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपको दोनों तरह के खुशियां नसीब हो सकेंगे, जिनके कारण कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे। मित्रों, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ बिंदुवासिनी।